नमस्कार, मैं कृष्ण आर्य और आप देख रहे हैं एडवांस भारत न्यूज। आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पूरे देश भर में बड़े खुशी के साथ मनाया गया और बड़े बड़े अधिकारी सभी तहसीलों में डिस्ट्रिक्टों में पसीना बहाते दिखे। आप देख रहे हैं राजुंद अनाज मंडी की तस्वीरें, जिसमें नगर पालिका सचिव नरेंद्र शर्मा, चेयरमैन बबीता जी, राजुंद थाना प्रभारी बीरभान जी और भी कई अधिकारी व राजुंद के आसपास के लोग योग करते दिखे। वो पेश है एक रिपोर्ट। उनको नीचे लगाने का, जमीन पे लगाने का प्रयास करेंगे। भद्रासन, बहुत अच्छा अभ्यास आप कर रहे हैं। श्वास को रोक के रखें, श्वास को खाली करते हुए शरीर को सामान्य स्थिति में ले। किसी प्रकार की कोई चंचलता नहीं, बातचीत नहीं, ये ध्यान रखना है। योग जब आसन आप करते हैं, आपका मन चंचल नहीं होना चाहिए। जो आपका चित्त है वो बिल्कुल शांत होना चाहिए। एक बार फिर करते हैं भद्रासन। दोनों पैरों को अच्छे से मोड़ लें, घुटने श्वास को भरते हुए ऊपरी भाग को ऊपर उठाएंगे और अपने घुटनों को जमीन पर लगाने का प्रयास करेंगे। श्वास को भरते रोके रख लें। श्वास को खाली करते हुए मैम, आज जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया और जिसका जो समापन समारोह राजुंद में किया गया था, तो आप उस पर क्या कहना चाहेंगे? आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो नोवा, जिसका आयोजन सरकार के निर्देशानुसार हमारे यहाँ पे ब्लॉक लेवल पे किया गया और ये काफ़ी सफल आयोजन था। इसमें सभी विभागों की हमें भागीदारी मिली। इसके साथ साथ बच्चे और सरपंचीज और दूसरे नगर परिषद नगर पालिका के सदस्य भी सभी हमारे पास यहाँ पे आयोजन में जिन्होंने भाग लिया, मैं लोगों की तहे दिल से आभारी हूँ और इसके सफल आयोजन के लिए धन्यवाद जी। और युवाओं से क्या अपील करना चाहेंगी, जिस प्रकार नशे को लेकर भी और जो उसको उनको योग अपनाना चाहिए, तो युवाओं देखो, सब समाज में सभी लोग, चाहे बुजुर्ग हैं, चाहे युवा हैं, चाहे बच्चे हैं, एक समाज का पार्ट है। और उसमें नशा या कोई भी ऐसी जो कह सकते हैं हम लोग, जो समाज के अंदर नहीं होनी चाहिए, वो इन से दूर रख के योगा की तरफ बढ़ा जाए। क्योंकि योग ऐसी चीज़ है जो हमारे मन और शरीर को जोड़कर हमारे माइंड को बैलेंस करता है। अपने माइंड के ऊपर कंट्रोल रख सकते हैं हम। योगा जो है वो हमें संयम सिखाता है, एक दूसरे के ऊपर संतुलित रखना, कंट्रोल करना, ये सब सिखाता है। अगर हम योगा की तरफ डाइवर्ट होते हैं या युवा इस तरफ आते हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है। तो इससे ही अपने आप को कंट्रोल कर पाएंगे और नशे जैसी आदतों से भी दूर रह पाएंगे और स्वस्थ शरीर के मालिक बन पाएंगे, तभी राष्ट्र के योगदान में कॉन्ट्रीब्यूट कर पाएंगे।